सागर जिले के बंडा के रहने वाले भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 2006 बैच के 3 राज्यों में एकमात्र अधिकारी जिन्होंने 3 राज्यों में कार्य किया। 8 जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य कर चुके वर्तमान में उप पुलिस महानिरीक्षक 8 जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य कर चुके वर्तमान में उप पुलिस महानिरीक्षक छतरपुर के पद कार्यरत है। बिहार के रोहतास जिले में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सासाराम अनुमंडल में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य कर नक्सल विरोधी अभियानों में सफलता प्राप्त की है। इन्होंने बिहार में नक्सल प्रभावित लखीसराय और औरंगाबाद में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया है। वहीं पटना जैसे व्यस्ततम जगह पर रेल पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया है। असम राज्य में इन्होंने उल्फा तथा एनडीएफबी से प्रभावित दरंग, नगाव, पुनदरंग, लखीमपुर और दीमा हसाओ जिलों के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया है। मध्य प्रदेश में इन्होंने पुलिस अधीक्षक सिवनी के रूप में कार्य किया है। इसके अतिरिक्त कमांडेंट 4वीं बटालियन गुवाहाटी, पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा असम, पुलिस अधीक्षक पुलिस प्रशिक्षण शाला सागर के रूप में भी आपने कार्य किया है। इनकी पत्नी वर्णाली डे का 2009 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की अधिकारी है और वर्तमान में गोलपारा में जिला दंडाधिकारी के रूप में पदस्थ है। इलेक्ट्रॉनिक एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से स्नातक इनकी फोटोग्राफी, साइकिलिंग, ट्रेकिंग और रनिंग हॉबी है। आंचल मिश्राम के साथ अनिल लालवानी की रिपोर्ट।